एक क्वेश्चन क्या है कि एक 10 टन का लोड है, लोकोमोटिव है, एक 10 टन लोको प्रोड्यूसेज, हैंड राइटिंग नहीं बैठे गया, प्रोड्यूसेज 100 किलो न्यूटन ऑफ अट्रैक्टिव एफर्ट, ठीक है ना। टू पुल ए लोड टू पुल ए लोड ऑफ 150 टन एलोंग ए इंक्लाइनेशन ऑफ 1 in 10। और यहां पे दिया हुआ है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ लोको दिया हुआ है 0.25, और कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ जो ट्रेलिंग लोड है, ठीक है ना, जो साथ में लोड अटैच है उसका दिया हुआ है 0.5। तो बोल रहा है कि फाइंड द एक्सलरेशन जिस पे ये मूव कर रहा है। तो सिंपल क्या करना है यहाँ पे, सीधा जो फॉर्मूला है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सलरेशन, ठीक है। मास तो इधर हो जाएगा क्या, जो मास इनटू एक्सलरेशन ये होगा, ये 10 टन है, इसको 1000 कर दूं, केजी में हो जाएगा, और 150 टन है, इसको भी 1000 कर दो न्यूटन में, मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए जो निकलेगा वो इस ए के बारे में पूछ रहा है। आइए फोर्स क्या हो जाएगा, ट्रैक्टिव एफर्ट माइनस जो जो इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। सिमिलर सिंपल पिछला वाला ही क्वेश्चन है, इसमें क्या है तुमको अब ग्रेविटी का भी और फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसका भी कंसीडर करना को, जो हम पहला बार हम क्लास की स्टार्टिंग में बताए थे। मतलब क्या, इसमें मस्त एक फिगर ड्रॉ कर लो पहले। ये जो दिया हुआ है 1 in 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से तुम लोग फिर निकाल सकते हो, क्योंकि हम लोग फिगर सारा जान रहे, ठिट्टा रहेगा, मतलब ठिट्टा में दिया हुआ है, ठीक है। 10 थीटा होता है 1/10, तो ठिट्टा क्या हो जाएगा, 10 inverse 1/10, ठीक है। तो ठिट्टा पहले निकाल लो, अब यहां पे जो भी रहेगा, अब देखो यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा एक चीज छूटा हुआ है, पुल ए लोड इन अपहिल डायरेक्शन, ठीक है ना, इन अपहिल डायरेक्शन, अपहिल डायरेक्शन में पुल कर रहा है, एलोंग इंक्लिनेशन ऑफ 1 in 10 इन अपहिल डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में पुल हो रहा है, ठीक है ना। अरे अरे क्या हो जाता है, साथ में ट्रेलिंग लोड अटैच कर दो यहां पे फिगर में, फिगर सही से नहीं बना, ठीक है ना, इस तरीके से ट्रेलिंग लोड अटैच है। इसमें क्या है कि तुमको मास ऑफ लोको जो भी स्टार्टिंग में था ना, कि मान लो फ्रिक्शन फोर्स जो भी लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स क्या लगता है, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, मतलब म्यू एमजी कोस थीटा। तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स किसका किसका लगेगा, म्यू ऑफ लोको एमजी मास ऑफ लोको 10 into 1000 इंटू 9.81, और ये जो कोस थीटा यहाँ से आएगा, ठीक है ना, कोस थीटा प्लस क्या लगेगा, म्यू ऑफ ट्रेलिंग लोड कितना है, 150 टन का है, इंटू 1000 इंटू 9.81 इंटू कोस, ये हो जाएगा।
अब क्या होगा, ग्रेविटी वाला जो लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये क्या होता है, सिंपल एम जी साइन थीटा। ये क्या क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट, एम जी साइन थीटा क्या हो जाएगा, मास ऑफ फ्लो को जी 9.81 साइन थीटा जो यहां से रहेगा वो आ जाएगा, नहीं तो यहां पे साइन थीटा नहीं पुट करना, तो 1/n भी पुट कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। प्लस मास ऑफ ट्रेलिंग लोड जी साइन, और ये डाटा यहाँ पे ठिट्टा वाला, ये मास ऑफ, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लोगों कितना है, 0.25 है, ये कितना है 0.5 है। ट्रैक्टिव एफर्ट दिया हुआ है कितना, ट्रैक्टिव एफर्ट 100 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये न्यूटन में आ गया, और बाकी रेजिस्टेंस वाला जो फिगर है पूरा ये हो जाएगा, यहां से स्टार्ट होगा यहां पे आके खत्म होगा, ये रेजिस्टेंस का फिगर है। तो सारा डाटा पुट करते जाओ, मास ऑफ लोको, मास ऑफ ट्रेलिंग लोड, जी साइन थीटा, यहां से पहले थीटा निकाल लेना है, वैसे थीटा जो निकल, थीटा लगता जो आना चाहिए वो मान लो 56/10, मतलब 5.6 डिग्री के लगभग थीटा आ रहा है। देखो तो थीटा कितना आया है, पहले 5.6 डिग्री आ रहा है, थीटा कितना आ रहा है, 5.6 डिग्री आ रहा है थीटा, फाइव पॉइंट सेवन वन, ठीक है ना, रफ में ठीक है, ठीक है, 5.71 भी आ रहा है, तो ये तो एक तरीके से रफ है निकालने के लिए। 10 थीटा अगर निकालना है, 1 in 10 के फॉर्म में दिया हुआ है, तो 56 को जो भी दिया हुआ उससे डिवाइड कर लो, नीचे वाले से डिवाइड कर दो, नहीं तो पूरे से मल्टीप्लाई कर लो, तो सारा वैल्यू यहाँ पे पुट करो, आंसर आ जाएगा। किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है ना, डाउट मन में नहीं रखना है। ज्यादा छोटा तो नहीं लिख दे रहे ना, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, सारे को हम तो कन्वर्ट कर दिए हैं केजी में, मतलब न्यूटन में सारे को कन्वर्ट कर दिए, ठीक है ना। आर यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा वो देखो, 0.25 इंटू 10 इंटू 1000, 1000 1000 है ना, सब जगह काट देना, ठीक है ना, 9.81 इंटू कोस 5.71 डिग्री, प्लस 0.5 इंटू 150 इंटू 1000 इंटू 9.81 इंटू कोस 5.71 डिग्री, प्लस क्या हो जाएगा, 10 इंटू 1000 इंटू 9.81 इंटू साइन 5.71, प्लस में क्या हो जाएगा, 150 इंटू 1000 इंटू 9.81 साइन 5.7। इस क्वेश्चन में सारा चीज हो गया, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में सारा चीज इस क्वेश्चन में दे दिया है, ग्रेडियंट का भी इफेक्ट आ गया, फ्रिक्शनल फोर्स का भी इफेक्ट आ गया, मतलब ये क्वेश्चन है कि सॉल्व कर लो, एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम के टाइम में इसको कि रिवीजन करना है, इस कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को रिवीजन करना है, तो सारा क्वेश्चन पे ऑटोमेटिक बनेगा। 1000 वाला जो फिगर है सभी तरफ कट जाएगा, ठीक है ना,
1000 वाला फिगर जो है, क्योंकि सभी में है तो सभी जगह वो कट जाएगा। वो बराबर क्या है, बराबर ये वाला फिगर है। अगर 1000 कटना चाहे यहाँ से भी ये कट जाएगा, ये भी यहाँ से कट जाएगा, ये 1000, ये 1000, ये सभी जगह से 1000 कट जाएगा। राइट साइड में क्या आ जाएगा, 160। ए निकाल लो, ए किसी का आया बताओ तो, ए कितना आ रहा है। ए 4.2 आ रहा है। आर कितना आया ये कोई निकाले हो, कैलकुलेट की हो, ये सिर्फ फिगर कितना आ रहा है, सिंगल सिंगल अगर कोई निकाले हो तो बताते जाओ। 0.2 इंटू 10 इंटू 9.81 इंटू कोस 5.71 कितना आ रहा है। और किसी का आया देखो तो, आया होगा तो सबका आएगा 4.2, नहीं आएगा तो अलग अलग फिर सबका आंसर आएगा। नेगेटिव में भी आ रहा है क्या, वो चेक करो। ये आर कितना आ रहा है तुम्हारा विशेष, 7.5650 इतना आर आएगा, इतना आर क्यों आ रहा है तुम्हारा ये बताओ। आर तो उतना आना नहीं चाहिए तुम्हारा, उतना कोई बड़ा फिगर थोड़ी है, 1000 सभी जगह तो कट गया है ना। सॉरी सर, एफ था, एफ 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 1000 सभी जगह कट दो ठीक है ना। 1000 कट करने से है ना इजी हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन वगैरह सभी लोग सॉल्व करो। कितना आ रहा है बताओ जल्दी से हमको। इन्हें कट रहा है तो काट दो, क्योंकि सॉल्व करने में कॉम्प्लिकेशन, हम लोग कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व करना है ठीक है ना। जितना तुम लोग बता दिया जा रहा है ना, इतना ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लो जितना न्यूमेरिकल करवाया गया है। अगर टफ पेपर सेट कर दे तो सबके लिए टफ रहेगा, कुछ अलग पूछ दे, कुछ अजूबा पूछ दे तो सबके लिए रहेगा, वो टेंशन वाली बात नहीं। और अगर पूछना रहेगा तो ये जो वैरायटी जो है ना, इतना गेट का फिर भी एसियर क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन एस घटक या कोई कोई और बुक से क्वेश्चन, तो बहुत ही ज्यादा वैरायटी हो जा रहा है ठीक है ना। जल्दी से बता दो, यही लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास आज का एंड हो जाएगा। अब थ्योरी जो है ना, थ्योरी एक ही बुराई सभी के पास बुक है ना, जो थ्योरी थोड़ा सा दिया हुआ है ना डीजल लोकोमोटिव का, कि सीओएन एग्जॉस्ट 0.2% से अधिक नहीं होना चाहिए, पावर रेंज इतना, बस वहां से थोड़ा सा थ्योरी देख लेना ठीक है ना। ज्यादा नहीं, वो एक पेज भी नहीं दिया हुआ है, मुश्किल से 12-13 लाइन का है ठीक है। फिर हम लोग पंप स्टार्ट करेंगे, पंप स्टार्ट करने के बाद वाइंडिंग जो है ना वो पटेल सरी तुम लोगों को पढ़ाएंगे, और मशीनरी का जो बाकी मशीनरी फिर कंप्लीट ही हो जाएगा, वाइंडिंग कंप्लीट होगा तो।
मशीनरी कंप्लीट हो जाता है मेरा, तो उसके बाद फिर जियो स्टेट्स और माइन प्लानिंग डिजाइन स्टार्ट होगा, दोनों में जो भी स्टार्ट होगा ठीक है ना, साथ में ही चलेगा। जियो स्टेट से स्टार्ट करेंगे ज़्यादा चांस। अब तुम लोग क्या करो, अगर हो सकता है ना 2007 से लेकर 2022 तक का पूरा क्वेश्चन पेपर को प्रिंट करवा लो, क्योंकि सारा क्वेश्चन पेपर एक साथ रहेगा। अब क्वेश्चन पेपर को बना हुआ क्वेश्चन है फिर भी प्रैक्टिस कर डालो सारे क्वेश्चन को। फाइव पॉइंट जीरो सेवन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ आ रहा है क्या? देखो तो 5.07 वो नेगेटिव में आ रहा है या पॉजिटिव में आ रहा है? अर्पित 5.07 तो थोड़ा ठीक आ रहा है, साइन हमको एक बार चेक करना है कि साइन नेगेटिव आ रहा है ना। हाँ तो ठीक है, जो एक्सलरेशन आएगा वो -5.07, मतलब क्या हो रहा है, एक तरीके से ब्रेक काम कर रहा हूँ, ब्रेक लग जा रहा है ठीक है ना, डिसलरेट हो रहा है, डिसलरेट हो रहा है, एक्सलरेट नहीं हो रहा है। ठीक है, लोकोमोटिव में और कुछ तुम लोग क्वेश्चन सोल्व करना होगा ना, तो फिर एस घटक है, अगर और कुछ जाना होगा डिटेल में क्वेश्चन सोल्व करना होगा तो वहां से कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेना। बाकी हमको नहीं लग रहा कुछ इससे ज्यादा और क्वेश्चन पूछेगा या एग्जाम में कुछ कुछ नहीं पूछेगा जो